वेलकम फ्रेंड्स, आप सभी का एक बार फिर से CTP टेक्निकल चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। तो आज के इस वीडियो में आप जानेंगे कि टच स्क्रीन क्या होती है, टच स्क्रीन के टाइप क्या होते हैं, मल्टी टच स्क्रीन क्या होती है, इन सब चीजों के बारे में आप इस वीडियो में जानेंगे। तो बने रहिए वीडियो में एंड तक। तो चलिए फ्रेंड्स, आज का वीडियो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले समझते हैं फ्रेंड, टच स्क्रीन क्या होता है। A touch screen is a display device that allows the user to interact with a computer by using their fingers. मतलब है, touch screen एक ऐसी device है जिसकी मदद से आप अपने computer को अपनी finger के through operate कर पाते हैं। तो अब चलिए friends समझते हैं आप अपने mobile में किस तरह की touch screen को use करते हैं। तो आप अपने mobile में आज के समय में capacitive touch screen को use करते हैं। और जैसे आप जब भी ATM से पैसे निकालने जाते होंगे तो आप जो स्क्रीन को यूज करते हैं तो उसे बोलते हैं रेजिस्टिव टच स्क्रीन। तो चलिए फ्रेंड्स, अब इन दोनों स्क्रीन के बारे में डिटेल में जान लेते हैं। तो सबसे पहले समझते हैं कैपेसिटिव टच स्क्रीन क्या होती है। अ कैपेसिटिव टच स्क्रीन इज कंट्रोल डिस्प्ले दैट यूजेस द कंडक्टिव टच ऑफ अ ह्यूमन फिंगर। मतलब है कि जो कैपेसिटिव टच स्क्रीन होती है, यह एक ऐसा कंट्रोल डिस्प्ले होता है जो हम लोग की फिंगर के थ्रू ऑपरेट होता है। तो जैसे हम लोग ये मोबाइल को यूज करते हैं, तो अब चलिए फ्रेंड्स समझते हैं ये मोबाइल जब आप टच करते हैं तो कैसे आपका मोबाइल पता लगा पाता है कि आपने किस जगह पे टच किया है और कौन सा ऐप को ओपन करना है। तो जो आपकी मोबाइल की जो स्क्रीन होती है वो एक तरीके से इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड होती है। इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड से मतलब है कि जो स्क्रीन है मोबाइल की वो पूरी इलेक्ट्रॉन से भरी हुई है। और जैसे ही आप अपनी फिंगर को अपनी स्क्रीन के किसी भी पॉइंट पे टच करते हैं तो जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं आपकी मोबाइल की स्क्रीन से वो आपकी फिंगर के थ्रू फ्लो होते हैं, जिसकी मदद से पता चल पाता है आपके मोबाइल की स्क्रीन को कि आपने किस जगह पे टच किया है। और जिस जगह पे भी आपने टच किया होता है तो उस जगह पे जो भी फंक्शन होता है वो परफॉर्म हो जाता है। तो अब आपको पता चल गया होगा कि जो कैपेसिटिव टच स्क्रीन क्या है और ये कैसे काम करती है। तो चलिए फ्रेंड्स, अब समझ लेते हैं कि रेजिस्टिव टच स्क्रीन क्या होती है। अ रेजिस्टिव टच स्क्रीन इज अ टच सेंसिटिव कंप्यूटर डिस्प्ले कंपोज्ड ऑफ टू फ्लेक्सिबल शीट कोटेड विद अ रेजिस्टिव मटेरियल एंड सेपरेटेड बाय एन एयर गैप। मतलब है कि जो रेजिस्टिव टच स्क्रीन होती है इसमें दो शीट्स अलग अलग लगी होती हैं। एक जो शीट होती है वो सिर्फ एक सिंपल सी शीट होती है और जो दूसरी शीट होती है उसके ऊपर रेजिस्टिव मटेरियल लगा होता है। चलिए फ्रेंड्स, अब इसी चीज को इमेज के थ्रू समझ लेते हैं। तो जब भी आप ATM से रुपए निकालने जाते होंगे तो आपको एक स्क्रीन दिखती होगी, ये रेजिस्टिव स्क्रीन है। अब चलिए फ्रेंड्स समझते हैं ये जो रेजिस्टिव स्क्रीन है ये आखिरकार वर्क कैसे करती है। तो जब भी आप इस रेजिस्टिव स्क्रीन पे टच करते हैं तो आपको थोड़ा फोर्सफुली टच करना होता है, जिसकी मदद से जो फंक्शन है वो परफॉर्म हो पाता है। तो जैसे ही आप स्क्रीन पे टच करते हैं तो ये जो पहली लेयर होती है ये जो दूसरी लेयर है इससे जाके मिल जाती है और इसके बीच पे ये जो डॉट्स आप देख रहे हैं ये रेजिस्टिव मटेरियल होता है। तो जैसे ही आपने टच किया तो ये जो रेजिस्टिव मटेरियल है ये दोनों अलग अलग हो गए और आपकी जो फिंगर है और आपने जिस पॉइंट पे टच किया वो पॉइंट इस पीछे वाली लेयर से मिल जाता है जाके। तो जो कंप्यूटर वो पता लगा लेता है कि आपने किस पॉइंट पे टच किया है और जो उस पॉइंट पे जो भी फंक्शन परफॉर्म होने वाला होता है वो परफॉर्म हो जाता है। तो अब आपको समझ में आ गया होगा फ्रेंड्स कि रेजिस्टिव टच स्क्रीन कैसे वर्क करती है और जो रेजिस्टिव टच स्क्रीन है वो कहाँ कहाँ पे वर्क होती है। मेनली जो रेजिस्टिव टच स्क्रीन का काम है ये ATMs में होता है और जब भी आप एयरपोर्ट या रेलवे स्टेशन में जाते होंगे तो वहां पे भी आपने रेजिस्टिव टच स्क्रीन देखी होगी। जो वहां पे जो रेजिस्टिव टच स्क्रीन का यूज किया जाता है वो मेनली टिकट्स को लेने के लिए किया जाता है। तो चलिए फ्रेंड्स, अब समझ लेते हैं जो कैपेसिटिव टच स्क्रीन होती हैं और जो रेजिस्टिव टच स्क्रीन होती हैं इन दोनों के बीच डिफरेंस क्या होता है। जो रेजिस्टिव टच स्क्रीन होती है ये मेनली सिंगल टच डिवाइस में ही यूज करी जाती है, सिंगल टच डिवाइस जैसे ATM हो गया। फिर कैपेसिटिव टच स्क्रीन जो होती है ये मल्टी टच डिवाइस में यूज करी जाती है, मल्टी टच डिवाइस जैसे स्मार्टफोन्स हो गए जो आप लोग यूज करते हैं। तो जो कैपेसिटिव टच स्क्रीन होती है इसमें आप जूम इन जूम आउट सारे फीचर्स कर सकते हैं, जेस्टर्स भी लगा सकते हैं और भी बहुत कुछ कर सकते हैं, जिसकी मदद से जो
कैपेसिटिव टच स्क्रीन है वो मल्टी डिवाइसेज में यूज करी जाती है, पर यही जो फंक्शंस होते हैं जूम आउट के, जूम इन के, ये रेजिस्टिव टच स्क्रीन में नहीं किए जा सकते। मतलब जो रेजिस्टिव टच स्क्रीन होती है ये सिर्फ सिंगल टच डिवाइसेज में यूज करी जाती है, इसको मल्टी टच डिवाइसेज में यूज नहीं किया जा सकता। क्योंकि फ्रेंड्स अगर रेजिस्टिव टच स्क्रीन को मल्टी टच डिवाइसेज में यूज किया जाएगा तो जो जूम इन और जूम आउट के जो फीचर्स हैं वो आप यूज ही नहीं कर पाएंगे, जिसकी मदद से जो एक्सपीरियंस होगा, जो आपका एक्सपीरियंस होगा मोबाइल चलाने का, वो बहुत ही ज्यादा खराब हो जाएगा। फिर जो दूसरा डिफरेंस है इन दोनों के बीच वो है रेजिस्टिव टच स्क्रीन में क्या है, अलाउ बोथ फिंगर एंड नॉन फिंगर इनपुट फॉर एग्जाम्पल ग्लव। मतलब है कि अगर आप ग्लव्स पहने होंगे और आप रेजिस्टिव टच स्क्रीन को यूज करते हैं तो आप आसानी से रेजिस्टिव टच स्क्रीन को यूज कर पाएंगे, आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी रेजिस्टिव टच स्क्रीन को यूज करने में। और वहीं पे अगर आप ग्लव्स पहन के अपने स्मार्टफोन को यूज करेंगे तो आप अपने स्मार्टफोन को यूज ही नहीं कर पाएंगे फ्रेंड्स, क्योंकि जो ग्लव्स होता है वो नॉन कंडक्टिव डिवाइस है, जिसकी वजह से जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो उस ग्लव से फ्लो ही नहीं करेंगे, तो जो आप अपना मोबाइल है वो आप ऑपरेट नहीं कर पाएंगे। इसलिए जो कैपेसिटिव टच स्क्रीन होती हैं ये सिर्फ अलाउ करती हैं फिंगर इनपुट को, मतलब जब आप अपनी फिंगर्स के थ्रू अपने स्मार्टफोन को ऑपरेट करेंगे तभी आप आसानी से कर पाएंगे, या आप किसी भी कंडक्टिव मटेरियल को यूज कर सकते हैं अपने मोबाइल को ऑपरेट करने के लिए। फिर है जो रेजिस्टिव टच स्क्रीन होती हैं ये इनएक्सपेंसिव है, मतलब जो रेजिस्टिव टच स्क्रीन है ज्यादा महंगी नहीं होती है। फिर जो कैपेसिटिव टच स्क्रीन है ये बहुत ही ज्यादा एक्सपेंसिव है, जो आपके स्मार्टफोन्स होते हैं बहुत ही ज्यादा एक्सपेंसिव आते हैं, वो मेनली एक्सपेंसिव इसीलिए हो जाते हैं क्योंकि फ्रेंड्स उसमें कैपेसिटिव टच स्क्रीन का यूज किया जाता है। फिर है जो रेजिस्टिव टच स्क्रीन होती हैं इनमें हाई फिजिकल फोर्स नीडेड टू रजिस्टर अ टच, मतलब है कि जो रेजिस्टिव टच स्क्रीन है इसमें बहुत ही ज्यादा हाई फोर्स देना होता है किसी भी एप्लीकेशन को ओपन करने के लिए। वहीं पे जो कैपेसिटिव टच स्क्रीन होती हैं इनमें क्या होता है, वेरी लेस फिजिकल फोर्स नीडेड टू रजिस्टर अ टच, इनमें किसी भी फंक्शन को ऑपरेट करने के लिए आपको बहुत ही कम फोर्स देना पड़ता है, बिल्कुल भी फोर्स नहीं देना पड़ता है। जब भी आप अपने मोबाइल को ऑपरेट करते हैं तो आपको कोई भी ज्यादा फोर्स नहीं देना पड़ता है किसी भी एप्लीकेशन को खोलने के लिए, इसलिए कहा जा सकता है जो कैपेसिटिव टच स्क्रीन होती हैं इनमें बहुत ही ज्यादा कम फोर्स लगती है या नो फोर्स लगती है कैपेसिटिव टच स्क्रीन की मदद से किसी भी ऑपरेशन को परफॉर्म करने में। वहीं पे जो रेजिस्टिव टच स्क्रीन होती है इसमें थोड़ी फोर्स जरूरत होती है किसी भी फंक्शन को परफॉर्म करने के लिए। आई होप अब आपको रेजिस्टिव टच स्क्रीन और कैपेसिटिव टच स्क्रीन के बीच में डिफरेंस पता चल गया होगा। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज इसे लाइक कर दें, ज्यादा से ज्यादा शेयर कर अपने दोस्तों के साथ, अपने रिलेटिव्स के साथ, जिससे उनको भी टच स्क्रीन के बारे में पता चल पाए। और फ्रेंड्स अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को प्रेस जरूर कर दें, साथ में ऑल नोटिफिकेशंस पर क्लिक करना बिल्कुल ना भूलें, जिससे जब भी मैं न्यू वीडियोस अपलोड करूंगा तो आप तक लेटेस्ट नोटिफिकेशंस पहुंच जाएंगी। चलिए फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक्स फॉर वॉचिंग।